ये दरवाजा इस तरह क्यों बंद कर है? अब खैरियत तो है? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बात की भेनक अब्बू जान को। अब्बू जान, ये लो तुम्हारा गोल्ड का सेट। अब्बू जान ने सप्लायर्स के लिए जो चेक दिया था, तुम्हारी फरमाइश में ही खर्च हो गया वो तो। थैंक यू सो मच रिसान, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा अब ठीक है, बाद में देख लेना आराम से। अब्बू जान के पास जा रहा हूँ। अच्छा सुने, वो मैंने ना आज अंकल को अपने वकील से जायदाद के बारे में बात करते हुए सुना था। क्या बात हो रही थी? ये तो मुझे नहीं मालूम। पता करता हूँ मैं। जी पता नहीं, प्रॉपर बात करके आइएगा। अच्छा कारोबार तो सारा ठप हो गया, अब क्या करोगे? मेरा मतलब है कि आगे का क्या सोचा है? सोचना क्या अब्बू जान, जब हाथ में कुछ बचा ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दोस्तों से उधार मांगना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। क्या मतलब? बेटे मतलब ये कि मेरा जो धन दौलत है, जायदाद है, मकान है, दुकानें हैं, सब तुम्हारी तो हैं। मैंने वकील साहब से बात कर ली है। अबू जान साहब मेरा कैसे है? मेरा मतलब है कि सज्जर को कोई एतराज नहीं होगा, उसे भी तो आपसे कोई फायदा मिलने की उम्मीद होगी। कैसा फायदा? उसकी शादी पर जहेज की सूरत में मुझे जो कुछ देना दिलाना था वो मैं दे चुका, और जायदाद मेरी है, वो कौन होती है एतराज करने वाली? और फिर बेटे ही असल वारिस होते हैं। बेटियां तो पराया धन होती है, उन्हें जो कुछ भी दो वो बेगानों कहते चले जाते। लेकिन अबू जान, ताहिर भाई तो ससुराल की तरफ से जायदाद मिलने की आस पे हाथ रख के बैठे हैं। तुम फिक्र न करो, मैं देख लूंगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे आपकी फिक्र है। अगर सज्जल और ताहिर भाई आपसे नाराज हो गए तो। मियां तुम छोड़ो इन बातों को, एक दो दिन में मेरा वकील कागजात बना के ले आएगा, काम तो शुरू हो। ठीक है अब्बू जान, फिक्र न करो, अल्लाह बेहतर करेगा। Thank you.